अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस। आवर कोर्स इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। द टॉपिक इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड दिस इज पार्ट थ्री ऑफ द लेक्चर। यस, इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड सम रूल्स ऑफ परमुटेशन। In this lecture, we will study combination. A combination is a selection of objects taken from distinct objects without regard to the order of selection. Permutation or combination में difference यही है कि combination जो है ये object जब आप select करते हैं तो उसमें order को हम मद्देनजर नहीं रखते। Permutation में हम सिलेक्शन भी करते हैं और साथ उसको ऑर्डर भी लेते हैं। यानी जो परमुटेशन है वो लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, यानी लिस्ट आपने बनानी हो, कोई कैंडिडेट्स की लिस्ट बनानी हो तो उसमें ऑर्डर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसी कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन जस्ट सिलेक्शन है। यानी ग्रुप ऑफ मेम्बर्स अगर आपने कहीं से सिलेक्ट करने हैं तो उसके लिए कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। Combination of n distinct objects taken r at a time is given by ncr equal to n factorial over r factorial n minus r factorial। r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, n हो सकती है। 0 मीन कि आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं की है, इसलिए 0 का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ। Yes, this is the difference between permutation and combination. Permutation is used for lists, order matters, and combination for groups. In permutation जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि selection भी है और उसके बाद में arrangement भी होती है, लेकिन combination में सिर्फ selection होती है। तो जाहिर है फिर combination के जो number of outcomes होंगे या number of ways होंगे वो कम होंगे और permutation के number of ways ज़्यादा होते हैं। डिफरेंस के लिए ये एक कोटेशन भी है जो कि बहुत पॉपुलर है। फेमस जोक फॉर द डिफरेंस इज अ कॉम्बिनेशन लॉ शुड रियली बी कॉल्ड अ परमुटेशन लॉ। यानी लॉक जो है उसमें कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशंस आप बना देते हैं और वो लॉक हो जाता है, तो असल में वो नंबर्स का जो अरेंजमेंट है वो परमुटेशन है। ठीक है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, लेकिन असल में वो होता है परमुटेशन है। जब भी नंबर्स की अरेंजमेंट आएगी तो वो परमुटेशन ही होगा, क्योंकि नंबर जब आएंगे तो ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। नंबर को चेंज करने से, नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से जो नंबर है वो चेंज हो जाता है, या डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करने से नंबर चेंज हो जाता है। यानी 1-2 या 2-1, 1-2 होता 12 बन जाता है और 2-1 हो तो वो 21 बन जाएगा। तो नंबर्स जहाँ भी होंगे वहाँ पे परमुटेशन यूज़ होगा, और जहाँ पे जस्ट सिलेक्शन होगी वहाँ जहाँ ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होगा वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। हाँ जी, कॉम्बिनेशन के कुछ ये इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं कि NC1 इज इक्वल टू N, NC2 जो है वो n इंटू एन माइनस वन और टू फिक्टोरियल होता है। यानी n में से अगर आपने n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आपने टू ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं तो NC2 होगा। NC3 को इस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे, सिमिलर NC4, NC5, यू कैन डू इट। एंड NCn माइनस आर इक्वल टू NCr, ये भी फॉर्मूला है जिसको आप प्रूव कर सकते हैं इजीली। NCr विल बी इक्वल टू NCn माइनस आर। यानी कि अगर 10C4 हो या 10C6 निकालें तो वो सेम आंसर आएगा। 10C4 विल बी इक्वल टू 10C10-4, तो 10C6 हो जाएगा ना। इट मीन्स 10C4 का आंसर निकालें या 10C6 का निकालें, आंसर सेम आएगा। इसी तरह से 5C2 निकालें या 5C3 निकालें, आंसर सेम आएगा। 6C2 निकालें या 6C4 आप निकालें तो उसका आंसर भी सेम आएगा।
इस तरह 12C2 निकालें या 12C10 निकालें वो भी सेम आंसर आएगा। तो या 12 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज करना चाहें या 12 में से 10 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करें तो वो सेम आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला है NC(n-1)=n, यानी कि अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से 3 की अरेंजमेंट करनी है, n-1 है ना, यानी 4 में से 3 की करनी है तो वो उसका आंसर 4 ही आएगा। 6C5 है तो उसका आंसर 6 ही आएगा। 10C9 है उसका आंसर 10 ही आएगा। 10C1 का आंसर भी n ही, 10C1 का आंसर भी 10 होगा और 10C9 का आंसर भी 10 ही होगा। यानी कि 10 में से आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें या 10 में से 9 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें तो आंसर सेम ही आएगा, और 10 में से 10 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें तो उसके नंबर ऑफ वेज 1 होंगे। NCN इज 1। NCN विल टेल यू दैट 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 10 में से 10 को ही सेलेक्ट करें तो आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू CR इंटू CR फैक्टोरियल NCR। NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। फॉर्मूले में वहाँ पर दोनों के अगर आप देखें तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये इसके इक्वल होता है, यानी इसमें R फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि NCR में डिवाइड हो रही है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो NPR बन जाएगा। इस फॉर्मूले से हमें यह भी पता चल रहा है कि NPR इज ग्रेटर देन NCR, यानी NPR जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा, वो NCR से ग्रेटर ही होगा। कॉम्बिनेशन की एक एप्लीकेशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो एक्स वाई वाली टर्म जो है उनके जो कॉफिशियंट्स हैं, यानी एन कॉफिशियंट जो बनेंगे वो NC1 NC2 NC3 यानी कॉम्बिनेशन ही को फॉर्म करेंगे। वो पहला जो कॉफिशियंट है वो NC0 आएगा, यानी कि वो 1 होगा। सेकंड टर्म में NC1 आ जाएगा, NC2 NC3। तो ये जो भी बाइनोमियल का जो कॉफिशियंट है वो कॉम्बिनेशन के जो नंबर ऑफ वेज हैं उसके इक्वल होता है। अब ये एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 चिल्ड्रन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 एंड 3। 9 चिल्ड्रन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स 5 एंड 4। अब इसमें देखें आप, 5 में से 2 पर्सन हमने सेलेक्ट करने हैं, 5 चिल्ड्रन है उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं और फिर 3 का भी एक ग्रुप बनाना है। तो 5 में से 2 चिल्ड्रन आप सेलेक्ट करेंगे तो बाकी 3 रह जाएंगे, तो 3 जो है ना वो, तो 3 में से बाकी 3 हम चूज़ कर लेंगे। पहले 5 में से हम 2 पर्सन चूज़ करेंगे तो वो 2 का एक ग्रुप बन जाएगा, बाकी चिल्ड्रन रहेंगे 3। तो 3 में से भी 3 चूज़ करने हैं तो वो 3C3 हो जाएगा, तो टोटल चांसेस फिर आ जाएंगे 5C2 मल्टीप्लाइड बाई 3C3। सो टोटल आर 10 वेज। इसी तरह से सेकंड जो पार्ट बी है, 9 चिल्ड्रन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड 4। तो 9 में से पहले 5 हम चूज़ करेंगे तो बाकी 4 रह जाएंगे, तो 4 में से 4 ही चूज़ करेंगे, वो 4C4 है, तो 9C5 इंटू 4C4। 9C4 भी पहले कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 5C5, ये भी कर सकते हैं। या इस एग्जांपल से हमें ये भी पता चला कि अगर हम ग्रुप्स हमने डिफरेंट बनाने हैं तो उनको हम चूज़ कर सकते हैं कितने वेज में, यानी कि 9 चिल्ड्रन है और अगर हमने ग्रुप बनाना है 4 या 5 का, तो 9 चिल्ड्रन में ज़ाहिर है एक ग्रुप 4 का बनेगा और एक 5 का बनेगा, तो 9 में से पहले 4 चूज़ कर लें या 9 में से 5 चूज़ कर लें, तो वही आपका आंसर होगा। इसी तरह से जो 5 चिल्ड्रन है, अगर 2 और 3 का ग्रुप बनाना है तो 5 में से 3 पहले चूज़ कर लें तो वो दूसरा जो ना वो 2C2 ही हो जाएगा, और 5 में से पहले 2 चूज़ कर लें तो दूसरा ग्रुप खुद ही बन जाएगा, 5C2 एक ग्रुप बन जाएगा, यानी 5 में से 2 चिल्ड्रन आप सेलेक्ट कर लेंगे
और बाकी जो 3 पर्सन रह जाएंगे वो दूसरा ग्रुप ऑलरेडी बन चुका होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, द क्लब कंटेन्स द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी एंड 8 other members. द क्लब इज आस्क टू सेंड अ ग्रुप ऑफ 4 representatives टू अ कॉन्फ्रेंस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच द ग्रुप कैन बी फॉर्म if it must contain both the president and the secretary, either the president or the secretary but not both. Now in this example there are 8 members and 2 other members, president and secretary, so total are 10 members and we have to choose 4 representatives from 10. But in part A we have to find the number of ways in which both the president and the secretary are chosen. यानी president और secretary को लाजमी choose करना है, 2 member वो हो जाएंगे और 2 other choose करना है, यानी कि 2 member हम choose कर लेंगे, president secretary वो तो must होने चाहिए। It means we have to select 2 other members or 8 में से। President and secretary can be chosen in 2C1, in 2C2 ways. And the remaining 2 persons can be chosen from 8 persons in 8C2 ways. यानी कि प्रेजिडेंट सेक्रेटरी तो लाजमी चूज करना है, प्रेजिडेंट और सेक्रेटरी तो लाजमी चूज करना है और 2 other members हमें चूज करने हैं, वो 8 में से चूज करेंगे फिर, क्योंकि 8 जो है ना वो दूसरे मेंबर्स हैं, तो वो आ जाएगा 8C2 एंड 2C2। 2C2 तो 1 ही होता है, उसको नाम भी आप लिखें तो कोई मसला नहीं है। 8C2 टोटल वेज आ जाएंगे 28। सो देर आर 28 ways टू सिलेक्ट 4 members इफ बोथ द प्रेजिडेंट एंड द सेक्रेटरी मस्ट बी चोजन। इन 2 member तो लाजमी होंगे, बाकी 2 members और जो हमने चूज कर लिए, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो इसमें भी देखें, पार्ट ए में ये रिस्ट्रिक्शन गिवन थी कि प्रेजिडेंट सेक्रेटरी लाजमी होनी चाहिए, तो उनको भी चूज़ कर लें आप, उनको ना भी अगर आप चूज़ करें तो वो तो 1 ही रहना है। इट मीन्स हमने सिर्फ 2 members और चूज़ करने थे, 8C2 वो आ जाएगा, तो 4 member हमारे पूरे हो गए। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ आइदर द प्रेजिडेंट और द सेक्रेटरी बट नॉट बोथ मस्ट बी चोजन। यानी कि प्रेजिडेंट अगर होगा तो सेक्रेटरी नहीं होगा, और अगर सेक्रेटरी है तो प्रेसिडेंट नहीं होगा, और वो दोनों भी नहीं होने चाहिए, दोनों इकट्ठे भी नहीं होने चाहिए। यानी प्रेसिडेंट अगर चूज करेंगे तो सेक्रेटरी को नहीं करेंगे, और सेक्रेटरी चूज करेंगे तो प्रेसिडेंट को हम चूज नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर हम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी में से 2 persons को चूज, 2 person हैं उनमें से किसी एक को चूज करना है हमने, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, इट मीन्स कि इन दोनों में से 1 person हम ले लेंगे, 2C1 आ जाएगा वो, और बाकी जो 8 members हैं उसमें से भी हमें 3 चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल हमने 4 member चूज करने हैं ना। वी हैव टू सिलेक्ट टोटल 4 members, एक मेंबर चूज करना है प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी में से, एक नंबर, एक मेंबर, तो वो 2C1 कुछ आ जाएगा आपके पास, और बाकी 3 members और चूज करने हैं, डेट विल बी 8C3। नाउ लुक एट हेयर, 1 person is chosen from the president and the secretary in 2C1 ways. ये president secretary 2 हैं, तो उनमें से एक हमने लेना है, दोनों को तो लेना नहीं है, तो वो 2C1 आ जाएगा। Remaining 3 persons can be chosen from 8 persons. तो 8 में से बाकी 3 हमने और choose करने, क्योंकि total हमने 4 representatives choose करने। So the total number of ways will be 2C1 into 8C3. So answer will be 112. Now come to the example 12.3, example 3 of the lecture number 12. A delegation of 4 people is to be selected from 5 women and 6 men. Find the number of possible delegations if there were no restrictions. There is at least 1 woman. There are at least 2 women.
अब इस क्वेश्चन में फोर पीपल आपने सेलेक्ट करने हैं और टोटल पर्सन जो गिवन है फाइव वुमेन है एंड सिक्स मैन है. टोटल इट मीन्स टोटल पर्सन आर 11. सो फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू सिलेक्ट फोर पर्सन्स फ्रॉम 11 पर्सन्स. फोर पीपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम फोर पीपल विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 11 पर्सन्स. In the part A, there is no restriction. So one of the men, this is the next part, one of the men cannot get along with one of the women. Find the number of delegations which include this particular man or woman, but not both. So in part A, we have to find the number of ways in which four people will be selected from 11 persons. So in the first part, we have to select four persons out of 11. So the answer will be 11C4. Answer is 330. In the second part, we have to select at least one woman. We know the total number of ways, that is 330 when four persons are selected. And now we find the case when no woman is selected. So total minus no woman selected, the answer will be the case when at least one woman is selected. हाँ जी, तो इस पार्ट बी में we have to find the number of ways of selecting at least one woman. तो at least one woman का मतलब ये है कि one woman आप select करेंगे, at least one, और थ्री जो ना वो फिर मैन सेलेक्ट करने पड़ेंगे. इफ अगर टू वुमेन होंगे तो टू ही मैन हो जाएंगे, क्योंकि टोटल जो है ना वो पर्सन चार हैं. और अगर थ्री वुमेन होंगे तो मैन एक हो जाएगा, और अगर फोर ही वुमेन होंगे तो जो मैन हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे. ठीक है, तो इस केस में आपने ये किया है कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं, इसमें सारे वेज हैं, इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, और नो वुमेन का केस जो है ना वो माइनस सामने कर दिया है. तो टोटल जो केस है वो है, टोटल जो आउटकम्स हैं वो 11C4 हैं, जैसे कि पार्ट ए में हमने निकाला है. एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग नो वुमेन आर 6C4 × 5C0, यानी कि चारों की चारों हमने मैन ले लिए हैं और वुमेन हमने नहीं ली. तो ये केस अगर टोटल में से माइनस कर दें तो हमारे पास कौन से केस रह जाएंगे जिसमें सारी वुमेन होंगे, यानी वन वुमेन हो सकती है उस केस में. वो सारे केसेस आ जाएंगे, वन वुमेन वाला केस भी आ जाएगा, टू वुमेन वाला भी आ जाएगा, थ्री वुमेन वाला भी आ जाएगा. तो ये हमने निकालना था, एटलीस्ट वन वुमेन मीन वन वुमेन और ग्रेटर देन वन वुमेन. ग्रेटर देन वन, एटलीस्ट मीन ग्रेटर देन इक्वल टू वन. सो द टोटल केसेस विल बी 315. इन पार्ट सी वी हैव टू फाइंड द केस नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एट लीस्ट टू वुमेन. अगर टू वुमेन सेलेक्ट करेंगे हम तो टू वुमेन और टू ही मैन होंगे. ठीक है, पार्ट सी में आप देखें एट लीस्ट टू वुमेन, तो थ्री वुमेन भी हो सकती हैं, फोर वुमेन भी हो सकती हैं, इसलिए फिर तीन केसेस ये आ जाएंगे, थ्री वुमेन, वन वुमेन एंड फोर वुमेन एंड जीरो मैन. सो पहला जो केस है वो टू वुमेन टू मैन है, तो ये 5C2 और 6C2 आ जाएगा, क्योंकि फाइव जो है ना वो वुमेन है और जो सिक्स हैं वो है मैन. तो 5C2 एंड 6C2. उसके बाद केस है 3+3 वुमेन एंड 1 मैन, तो 3 वुमेन है तो 5C3 आ जाएगा और 6C1. 5C3 यानी 5 में से 3 वुमेन आप सेलेक्ट कर रहे हैं और 6C1 में 6 में से 1 वुमेन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, 6 में से 1 मैन सेलेक्ट कर रहे हैं. सिमिलरली द आंसर विल बी 215. आगे एक और पार्ट है इसका, वन ऑफ द मैन कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद वन ऑफ द वुमेन. अब इसमें ये गिवन है कि एक अगर पर्टिकुलर मैन है वो अगर आएगा तो पर्टिकुलर वुमेन वो नहीं जाएगी, यानी मैं दोनों में से एक जाएगा. तो ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है, प्रेजिडेंट सेक्रेटरी वाला, यानी इसमें से एक, दोनों में से एक पर्सन जाएगा और बाकी फिर बाकी हम नंबर ऑफ पर्सन थ्री और सेलेक्ट कर लेंगे इसमें, क्योंकि टोटल फोर पर्सन हमें सेलेक्ट करने हैं.
तो जो पर्टिकुलर मैन और वुमेन है वो उनमें से कोई एक पर्सन सेलेक्ट कर लेंगे, डेट इज 2C1। और इट मीन्स हमने 3 पीपल और 3 पर्सन और सेलेक्ट करने हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी जो और वो 9 में से हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो दो पर्टिकुलर जो मैन और वुमेन है उनमें से तो कोई नहीं ना आएगा, इसलिए टोटल पर्सन पीछे रह जाएंगे 9। 11 में से 9 रह गए, तो 9C3 आ जाएगा ये। सो आंसर विल बी 168। सो ये थे आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन। तो ये 3 लेक्चर्स जो हैं वो हमारे 10 लेक्चर 10, लेक्चर 11 और लेक्चर 12, दीज आर लेक्चर्स ऑन द टॉपिक्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।